गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास सिक्स हिंदी फर्स्ट और अध्याय पाँच। देखिए, अध्याय पाँच में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, बाल दिवस इस तरह मनाएं। ठीक है, बाल श्रम प्रथा से संबंधित यह कविता था कि किस तरह से बच्चों के जीवन को हम लोग सुधार सकते हैं, हम लोग अच्छा बना सकते हैं। और इस पाठ का आज हम लोग अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो मैं आप लोग को प्रश्न उत्तर पहले प्रश्न दिखा देता हूँ पाठ्य पुस्तक का। देखिए, पहला प्रश्न है कि कविता में कवि ने बाल दिवस को किस तरह मनाने की बात कही है। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न एक बार दिखा दूंगा पाठ्य पुस्तक का और फिर मैं आपको उसका उत्तर दिखाऊंगा। देखिए, उत्तर है कि कविता में कवि ने बाल दिवस को बच्चों को न्याय दिलाकर, उन पर स्नेह लुटाकर, उनके साथ अपनापन का भाव दिखाकर और उन्हें पढ़ाकर मनाने की बात कही है। किस चीज़ को मनाने की बात कही है? बाल दिवस को। क्लियर? ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि बच्चों को मजदूर बनाना अन्याय क्यों है। ठीक है, बच्चों को मजदूर बनाना अन्याय क्यों है? इसका उत्तर देखिए कि बच्चों को मजदूर बनाना अन्याय है क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मतलब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना चाहिए, उस उम्र में अगर उससे कचरा चुनने के लिए भेजा जाए, होटल में बर्तन धोने के लिए बर्तन धोने के काम में लगाया जाए, तो यह पूर्ण रूप से अन्याय ही है। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न कि कवि के अनुसार लाचार बच्चों की तकदीर कैसे बदली जा सकती है, मतलब जो बच्चे लाचार हैं उनकी तकदीर कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए, उत्तर है कि कवि के अनुसार लाचार बच्चों की तकदीर उन पर स्नेह लुटाकर, उनको शिक्षा पढ़ाई लिखाई से नाता जोड़कर, उनको हर प्रकार के दुखों से दूर करके बदली जा सकती है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए कि कविता के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। शीर्षक किसे कहते हैं? देखिए, हेडिंग जो ऊपर में बाल दिवस इस तरह मनाएं, यह इस कविता का शीर्षक था। तो पूछा गया कि और कोई शीर्षक हो बताइए, तो कविता के लिए एक अन्य शीर्षक बाल दिवस हो सकता है। आप लोग भी कोई और शीर्षक चुन सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, कारण बताइए। तो स्कूल नहीं जाने के तो अनेक कारण हो सकते हैं। देखिए, देखते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति पैसे से संबंधित, घर की आर्थिक स्थिति माली हालत अच्छी नहीं होती है, अर्थात पैसे की कमी के कारण वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और वह स्कूल नहीं जा पाते हैं। दूसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियों को देखते हैं, फटा पुराना झोला कर में, मतलब हाथों में, आंखों में है नीर पानी, आंखों में क्या है? पानी। बीन रहे हैं बच्चे कितने कचरों में तकदीर, और बच्चे कहाँ तकदीर खोज रहे हैं? बीन कहाँ पर? तो कचरों में, मतलब बच्चे अपने तकदीर को कचरों में चुन रहे हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए, दिया गया काव्यांश, मतलब कविता का अंश, बाल श्रम की प्रथा को पूर्ण रूप से उजागर करता है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ने के लिए हाथों में पुस्तकें कलम होनी चाहिए, उस उम्र में उसके हाथों में फटा पुराना झोला है, आंखों में आंसुओं की धारा है, वे बच्चे कचरों के ढेर में अपनी तकदीर चुनते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पद का अंश है, ये किसी कविता का अंश है। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होटल में बर्तन धोने को जो होते मजबूर, यह कैसा अन्याय बालपन में वे हैं मजदूर। प्रश्न है कि कौन होटल में बर्तन धोने को मजबूर है और क्यों। उत्तर क्या होगा कि बच्चे होटल में बर्तन धोने को मजबूर हैं क्योंकि छोटी सी उम्र में ही उन पर पारिवारिक बोझ आ गया है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें यह काम करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न कि अन्याय किसके साथ हो रहा है। क्या लिखेंगे, अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है क्योंकि बालपन में ही, मतलब बचपन अवस्था में ही वे मजदूर बन गए। क्या बन गए, मजदूर बन गए। दूसरा देखिए, भूखे प्यासे सो जाते जिन्हें न मिलता प्यार, जिनका अपना कहीं न कोई ऐसे हैं लाचार। प्रश्न बना कि कौन भूखे प्यासे सो जाते हैं और क्यों। उत्तर है कि बच्चे भूखे प्यासे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखिए कि वे लाचार क्यों हैं। तो देखिए, वे लाचार इसलिए हैं क्योंकि उनका अपना कोई भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने बाल दिवस इस तरह मनाए, पाठ कविता का, ठीक है, प्रश्न उत्तर देखा और इसके आगे सप्त ज्ञान से संबंधित बनाने के लिए कुछ है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, नीर, बालक, आँख, दिवस। ठीक है, दिए गए शब्दों में मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। बालपन, रुकावट, अपनापन, घबराहट, अंतर समझकर वाक्य बनाना है। एक बिन है और दूसरा बिन है, झेला है, झोला है, बचा है, बच्चा है। ठीक है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है सबसे कीमती चीज़। तब तक के लिए धन्यवाद।